आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले की तहसील बांसी के मिठवल कला गांव की रहने वाली एक महिला ने बांसी नायक तहसीलदार विजेंद्र गुप्ता के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ उप जिलाधिकारी बांसी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता ने बताया कि नायब तहसीलदार रात्रि 8 बजे आए और घर में घुस गए और घर गिराने की धमकी भी दिए और हाथ पकड़ लिए। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, तब जाकर नायब तहसीलदार चले गए। पीड़िता ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि नायब तहसीलदार रात में गए थे और देखा भी गया है कि तहसीलदार महिला के घर में थे। जब वहां सभी लोग पहुंचने लगे तो नायब तहसीलदार घर से निकले और चले गए। नायब तहसीलदार विजेंद्र गुप्ता कमरे में कुछ बोलने से मना कर दिए और उन्होंने कहा कि जो जांच होगा वह मुझे स्वीकार होगा। पेशे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका, कहां रहने वाले हैं? उदय प्रताप गिरी, मिठवल गोसाई डेवा। ये बताइए रात में जो घटना घटी आपने क्या देखा? जब गुहार हुई तो हम गए घर से दौड़ के तो देखे है कि ये तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब दो आदमी इनके और 100 मीटर के दूरी पर थे, लेखपाल और ड्राइवर गाड़ी। ये उसके घर से निकले, वो गुहार लगाई थी। अब यही अब देखे इतने में जब हम लोग पहुँच रहे हैं तो ये गाड़ी पर बैठ के भाग गए। कौन क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं है। रात के कितने बजे घटना? 8:30 बजे। आप ये बताइए क्या नाम है आपका, इस समय तहसील में आए हैं, क्या परेशानी है? मेरा नाम विष्णुगिरी है, मैं मिठवल बाजार गोसाई डीवा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में रात 8:30 बजे नायब तहसीलदार बांसी बिंदेश गुप्ता जी दारू के नशे में गांव के दक्षिण गए, जंगल में घर बना हुआ है गोलूगिरी का, उनके घर में ये अपने ड्राइवरों को 100 मीटर दूर ड्राइवर और दो लेखपाल को खड़ा कर दिए। उसके बाद घर में ये गुजर गए और महिला थी उनको उनके साथ बदतमीजी किए। जब पूरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हुए और सब ये जाके निकले, पूरा गांव इनको देखा निकलते हुए। मैं जब पहुंचा, हमारे पास फ़ोन आया तो मैं इनसे पूछा तो मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे। पूरा दारू की काबू इनके मुंह से आ रहा था, दारू के नशे में एकदम थे। योगी मोदी जी की मैंने बात कहा कि आपकी मैं शिकायत मोदी जी से योगी जी से करूँगा, आवश्यकता पड़ेगा तो। उन्होंने कहा मैं आप जिसके पास जाना हो जाइए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले हैं, क्या घटना आपके साथ घटी, कौन घटित किया? हमारा नाम अनीता है और हम इधर रहते हैं मिठवल चौराहे पे, अंदर रहते हैं गांव में, जंगल में हमारा घर बना है। साहब आए हमारे घर पे हैं तो बोले अंदर। कौन साहब थे, क्या नाम है उनका? तहसीलदार साहब थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो मालूम नहीं है सर मुझे। चेहरे से पहचानते हैं? हाँ, गुप्ता जी थे वो। अच्छा, तो क्या करने आपके घर गए? मेरे घर पे अंदर पहुँचे सीधा वो और मेरे से बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे हस्बैंड कहाँ आए हैं? तो हमने कहा सर वो बाजार गए भाजी लेने के लिए। तो बोलते हैं हमारा हाथ पकड़ लिए, बोलते हैं अगर हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा घर नहीं बच जाएगा और अगर नहीं मानोगे तो घर कल बिल्ली जा चढ़ा देंगे हम। क्या कहा उन्होंने, क्या मानने के लिए कहा? मानने के लिए कुछ नहीं बोले, हाथ पकड़ा हमारा, बोल रहे हैं सुबह आके हम बिल्लू जा चला देंगे अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। सिर्फ उन्होंने आपका हाथ पकड़ा? हाँ। और कुछ नहीं किया? सर करने भी देते तब ना सर, हमारा हाथ क्यों पकड़ा उन्होंने? अच्छा। और रात को 8:30 बजे आए वो। अच्छा, अकेले आए थे कि और कोई साथ था? हमारे घर पे वो अकेले ही आए थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या किए जब वो आए और चले गए? हाथ पकड़ा तो मैं चिल्लाई साहब। अच्छा, कौन कौन के सब लोग इकट्ठे हो गए जी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद जब भैया ये सब लोग आए तो गाड़ी में बैठ के भाग लिए। क्या चाहती हैं आप? हाँ, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं सर? हमें न्याय चाहिए।